ये शारजा मॉस्क में हम आए थे, देख लें ग्रैंड मॉस्क है शारजा का। ये तुर्किश स्टाइल में बनाया हुआ है इन्होंने, जाके हम लोग चेक करते हैं कि कैसी है दी। दस किस्म की माशाल्लाह से पहुंच गई मस्जिद, तो हम लोग भी जाके चेक करते हैं फिर आपको बताता हूँ क्या पोजीशन इस। ठीक है, ये तो ये शारजा मॉस्क में एंटर हो गए, शारजा ग्रैंड मॉस्क। देखिए तुर्की स्टाइल की, तुर्की स्टाइल की इस तरीके से पार्किंग बनाई हुई है उन्होंने। ये है सब, तो अभी मॉस्क को डिस्कवर करेंगे। अभी फजर की नमाज तो हो गई है, शराक का टाइम है, अब पानी दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, नहीं घास सूख भी गई है। ये मॉस्क है जगह शारजा की, वो देखिए सारा ये वज़ू का एरिया भी बनाया हुआ है उन्होंने, वॉशरूम भी इस तरीके से ये बनाया हुआ है, वज़ू का एरिया वो भी एक वज़ू का एरिया बनाया हुआ है उन्होंने, और ये भी वज़ू का एरिया है सारा। तो इस तरीके से बनाई हुई इन्होंने, काम चल रहा है बड़ी तेज़ी से। ये है बेसिकली ग्रैंड मॉस्क, आप देख सकते हैं तरीके से। तो और ये जो है ये सारा इसका बाहर का एरिया, पार्क है, फाउंटेन है, वुजू करने की जगह है। अच्छा, तो बहुत बड़ी मॉस्क है, मैं तो दूसरी दफ़ा जुम्मे की नमाज़ पढ़ी है यहाँ पे। ये लिखा हुआ पार्किंग मॉस्क वाटरफॉल, इस तरफ वाटरफॉल है सारा। तो मैंने दो तीन दफ़ा नमाज़ पढ़ी है माशाल्लाह से, बड़ी ज़बरदस्त मस्जिद बनाई हुई है, देखिए कैसा लुक दे रही है। आप लोग भी आए तो फिर यहाँ से गुजरें, फुजारा जाती है बिल्कुल रास्ते में पड़ती है, लेकिन ये फाउंटेन बनाई हुई इस तरीके से, वो फाउंटेन चल भी रही है, वो बड़ी फाउंटेन है वहाँ पे। पार्किंग भी काफ़ी स्पेस है, बाहर है अंदर है। तो और ये एमएस रोड के बिल्कुल साथ पड़ती है, एमएस रोड के बिल्कुल आपको ना बिल्कुल सामने दिखेगी बड़ी सी। तो यहाँ आके आएँ, नमाज़ पढ़ें और मस्जिद का भी व्यू करें, मस्जिद माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त मस्जिद है, मस्जिद का भी व्यू करें और नमाज़ भी पढ़ लें। ये मेन एंट्रेंस है सर, मतलब मेन एरिया है वहाँ से ना, ये फाउंटेन है वहाँ पे, सर्फ सारी फाउंटेन है और ये मस्जिद का मेन एंट्रेंस है। तो ये है, आप ज़रूर आएँ यहाँ पे, नमाज़ पढ़ें, सुबह निकलें तो फजर की पढ़ें, दोपहर में निकलें जोहर की पढ़ें, शाम में निकलें असर की पढ़ें, रात में निकलें मगरिब की पढ़ें, और वापसी आ रहे हैं फिर ईशा की पढ़ लें। तो सारी नमाज़ें माशाल्लाह से 5 वक्त की नमाज़ें होती हैं यहाँ पे, बड़ी ग्रैंड मॉस्क बनाई तुर्की स्टाइल में, तुर्की बंदा जाते हैं ना देखने के लिए। आई थिंक मुझे मस्जिद का नाम याद नहीं आ रहा, सूफिया करके मस्जिद है, या फिर अभी तो मैंने सुना म्यूज़ियम बना दिया उन्होंने, तो उस स्टाइल की बिल्कुल मस्जिद है ये, आप पीछे में देख रहे हैं, ज़बरदस्त मस्जिद है, बिल्कुल ज़रूर आए यहाँ पे। और ये सारा मेन एंट्रेंस, ये पूरा एंजॉय करेंगे ये सारा, वो खुला एरिया, मौसम बहुत ज़बरदस्त मौसम। तो इस तरीके से ये है, जूते तो यहाँ नहीं उतारने मेरे ख्याल में, जूते तो अंदर मस्जिद के ही उतारने हैं, लेकिन मस्जिद जो होगी वो मेरे लगता है क्लोज होगी इस टाइम पे ना। जूते पहन सकते हैं, देखिए कैसे पूरा एरिया बनाया हुआ है मस्जिद के लिए। तो मस्जिद के बेसिकली दो नफिल होते हैं, वो तो पढ़ लेने चाहिए, वजू करने का एरिया भी बनाया होगा उन्होंने। तो ये है सारी भी ज़बरदस्त माशा से मस्जिद बनाई हुई है इन्होंने, सैनमा घरों में रश भरा हुआ है, मस्जिद खाली है, परिंदे आ रहे हैं अल्लाह का जिक्र करने, परिंदे पहुँच गए। तो अल्लाह तो इंसान को आना है, इंसान नहीं है तो परिंदे, फिर तो ये बात है सर, तो इधर भी पैर रख के जा सकते हैं, करीब आ गया ना, ये ज़बरदस्त आर्टिटेक्चर है, ये ज़बरदस्त एक किस्म।
आपको जूते रखने की जगहें भी बनाई हुई उन्होंने। मेन गेट है, ओहो मस्जिद तो वही क्लोज होगी, ओहो और परिंदे भी हैं, वो अपने काम में बिजी हैं। तो यहाँ तक जूते अलाउ हैं, जूते आपने बास्केट में डालें और अंदर नमाज पढ़ने के लिए इस गेट से इंटर हो जाएं। आई थिंक फ्रंट गेट है, उसके बाद एक साइड गेट भी होगा। तो ये है सारा, मैं इस साइड में भी जाता हूँ, दोनों अब आया हूँ तो कि साइड भी एक्सप्लोर करता हूँ। ये सारा मस्जिद का एरिया है, सब मस्जिद पे की वॉक कर रहे हैं, सब मस्जिद के एरिया में वॉक कर रहे हैं, सारा मस्जिद का एरिया। ये लेडीज़ का एरिया भी चल रहा है, लेडीज़ का एरिया जहाँ तक मुझे लगता है, बाकी तो मुझे नहीं पता। ठीक है सर, सब मस्जिद कह रही है माशाल्लाह से, थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स बंदों को ये मस्जिद जो है वो ले सकती है, लेकिन लोग आने चाहिए। बात तो सही है, कुर्सियाँ बनाई हुई, लोग बैठना चाहें तो। आसपास पार्किंग भी बहुत है, पार्किंग एरिया। तो इस साइड से देखें क्या बात है, माशाल्लाह सब तस्वीर। ये भी एक गेट है, एसी आ रही है, एसी क्या बताने से आ रही है, एसी की हवा आई है। वजू का एरिया, ये भी वजू का एरिया है, नीचे भी बहुत बड़ा वजू का एरिया होगा। ये वजू का एरिया है, पानी पीने की जगह है, पानी देखें आ रहा है नहीं आ रहा, चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से पानी आ रहा है, पीने में पी भी सकते हैं पानी माशाल्लाह से। ठंडा यख पानी, क्या बात है, ये वजू की जगह पानी पीने की जगह। ये बैठने की जगह है, किबले की डायरेक्शन है। साइड है मस्जिद, ये बना हुआ प्राइवेट एंट्रेंस है, ये प्राइवेट एंट्रेंस है, शेखों का मॉडल बना हुआ अंदर। ये रास्ता भी नीचे जा रहा है, नीचे जाना पड़ेगा यहाँ से, यहीं से घूम सकते हैं, यहाँ से उस तरफ से भी आ सकते हैं। ये इमाम साहब, ये रखते हैं इमाम साहब, नहीं इमाम साहब का तो ये होगा, कुछ और जगह होगी। प्राइवेट एंट्रेंस है लिखा हुआ, प्राइवेट एंट्रेंस। तो ये है सारा दी, चारों तरफ कहते हैं तवाफ कर रहा हूँ ये मैं। तो ये एक और वजू खाना आ गया, पानी पीने की जगह आ गई है, ये भी एंट्रेंस है। तो ये है, देखिए यहाँ से भी देखिए क्या बात है माशाल्लाह से, बस ओहो ज़बरदस्त एकदम। नीचे भी वजू खाना है, मेरे ख्याल में लिफ्टें लगी हुई है ना, नीचे जाके भी वजू कर सकते हैं, लिखा हुआ है इसके अंदर। मदखल अंसा नहीं, लेडीज़ का एरिया है, नहीं एब्सोल्यूट वॉशरूम लेडीज़ का है, वहाँ मर्द का है। ये अंसा, ये अंसा लेडीज़ को कहते हैं, ये मदखल अंसा लेडीज़ वुमेंस। तो ये लेडीज़ का एंट्रेंस है। तो बस ये था, ये मौसम आपने माशाल्लाह से देख लिया, ज़बरदस्त किस्म की मौसम। दरवाज़ा क्लोज है अभी, तो
तो ये है शारजा मॉस्क फ्रॉम आउटसाइड। शारजा मॉस्क आपको दिखा दी मैंने आउटसाइड से, तो जब भी आपको मौका मिले यहाँ पे जरूर नमाज के लिए। पुजारा की तरफ जा रहे हैं, रासुल खेमा की तरफ जा रहे हैं, शारजा की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे आए फौरन से नमाज़ पढ़ें और हम भी निकल जाएँ, का भी मज़ा लें, नमाज का भी मज़ा लें, अल्लाह भी खुश, आप भी खुश हैं। तो बस ये है मस्जिद दिखाने का आपको, मेरे पीछे है मस्जिद, तो मैं भी फिर आगे तरफ जा रहा हूँ। तो आप लोग आए तो बिल्कुल ज़रूर विज़िट करिए। ऐसे ही मैं जाते जाते आपको ये फाउंटेन भी दिखा देता हूँ, उसके फ्रंट पे जो फाउंटेन है वो भी दिखा देता हूँ कि आप वो भी आए तो वो भी देख लें। फिर ये देखें, ये है फाउंटेन, पानी बहता हुआ जा रहा है, ठंडा यख पानी तो नहीं होगा लेकिन पानी है बहर। तेजी से बहर, क्या बात, मुझे भी देख लाजा ही, लाजा ही भी रखा दरवाजा मेरा आने के बाद उन्होंने बंद कर दिया, मतलब मैं आ क्यों निकल नहीं। ओह चलो निकल दे, मैं जाऊंगा तो खोल देगा। तो ये देखिए फाउंटेन का एरिया सारा आप देख रहे हैं, ये सारा फाउंटेन है, ये भी एक एंट्रेंस है और इस तरफ भी एंट्रेंस है, ये सारा एंट्रेंस का एरिया है और ये सारा फाउंटेन है, और ये पीछे इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। जिंदगी रही तो बाकी दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम।